हमने कहा था कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए, हमारी किसी ने बात नहीं मानी थी, लेकिन आज पूरा देश मान रहा है, सारी पार्टियां मान रही हैं। मैं नाजीवाद और जो ओल्ड ऑर्डर, इसको समझने में मुझे 3 दिन लगे। ये जो कोटेशन है ये हर एक के समझ में नहीं आ सकता, ये बाबा साहब का है, और ये जो वॉल्यूम 10 है बाबा साहब का अंग्रेजी में से, उसमें से जोश साहब ने लिया, 7वें चैप्टर में है, 7वें चैप्टर के टॉप पे लिखा हुआ है। तो ये रेडियो प्रसारण है बाबा साहब अम्बेडकर का, तो जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी तब उन्होंने बोला था, और इसको समझने में मुझे 3 दिन लगे और डिस्कशन भी हुआ, लेकिन मैं जो समझ पाया तो इतना पक्का समझ गया कि इसका पूरे आंदोलन का बाबा साहब का सार उसमें कोटेशन में आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो सेकंड वर्ल्ड वार हो रही है, ये जब जीतेंगे, अंग्रेज लड़ रहे थे सेकंड वर्ल्ड वार के खिलाफ और मित्र मंडल लड़ रहा था, मित्र देश थे वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम इसको जीतेंगे तो खाली नाजी को ही नहीं जीतेंगे, इसके बाद में जो नया आदेश आएगा उसमें भारत को आज़ादी मिलेगी, भारत को आज़ादी मिलेगी तो हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसके लिए हम मांग रहे हैं, जो मनुस्मृति का राज चल रहा है भारत के अंदर, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाएगी, चूँकि हमें उसके साथ आज़ादी मिल जाएगी, और आज़ादी के साथ एक नया संविधान आएगा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित होगा, वो नया ऑर्डर होगा। आज हमारे देश के अंदर जो भारतीय संविधान है वो नया ऑर्डर है, इसलिए 26 नवंबर को हम नए ऑर्डर के ऊपर एक जश्न मनाने जा रहे थे। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूर्णिमा दिवस जरूर है, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, जब तक उनका विचार हम लोगों के अंदर रहता है, उनकी पीढ़ियों के अंदर रहता है, तब तक वो जिंदा रहते हैं। मुझे ये पता नहीं है कि आत्मा है या नहीं है, लेकिन मुझे ये निश्चित पता है कि विचार है, और विचार कभी नहीं मरता है। आत्मा को मैं नहीं जानता, लेकिन विचार को जरूर जानता हूं। इसलिए अगर मेरे भाइयों आपको अमर होना है तो किसी लालच में मत आइए, किसी दबाव में मत आइए, जो सच है वो सच कहिए, और उसके आधार पे आप अमर हो जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले थे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उनका विचार, उन्होंने पूरे देश को जगा दिया। जब हमने 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए सेमिनार रखा, कंपटीशन रखा, तो हमको उल्लू समझ रहे थे कि ये बेवकूफ लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आज पूरा देश जब कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है, पूरे बीजेपी मना रही है, और पूरी कांग्रेस मना रही है, और दूसरी पार्टियां मना रही हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम सही थे, और आज पूरा देश हमारी बात मान रहा है। जब गैलीलियो की बात भी नहीं मानी थी, जब उसने कहा था कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन आज पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है। जब हमने कहा था कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए, हमारी किसी ने बात नहीं मानी थी, लेकिन आज पूरा देश मान रहा है, सारी पार्टियां मान रही हैं। हम आज कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 चीज़ें बताई थी, उन्होंने हर चीज़ का सब्स्टिट्यूशन दिया है। उन्होंने बोला कि हमें इसका अंत करना है, किसका अंत करना है, 2 चीज़ों का अंत करना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो कम्युनिस्ट को बहुत पसंद करते थे, उनके दोस्त थे कम्युनिस्ट, वो चाहते थे भारत में समानता जो कम्युनिस्ट से आ जाएगी, उनके साथ उन्होंने दोस्ती की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो लोग शोषक हैं मजदूरों के, वही लोग उसके मालिक थे, वही उस पार्टी को चला रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश में मजदूरों के 2 शोषक हैं, एक नहीं है। एक तो वो शोषक है जिसने पूरे मजदूरों को श्रेणीबद्ध तरीके से बांट दिया है, चूँकि वो इकट्ठे नहीं हो भारत में, उन्होंने वर्ग नहीं बने, वो श्रेणीबद्ध समाज क्या है,
श्रेणीबद्ध समाज ही जाति है। जो जाति बनाई गई है वो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है समाज का, वो लेबर का श्रेणियों में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेबर को बांट दिया गया है। क्योंकि पूरा श्रमण समाज और पूरा श्रमिक समाज ये जातियों में बांट दिया गया है, इसलिए वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। और इसमें किसका दोष है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ऐसा दुर्देव कोई पुरोहित रहा होगा जिसने बांट दिया पूरे समाज के लिए, उस पुरोहित का नाम जानते हैं मनु महाराज। तो मनु महाराज के जो चेले हैं उसको भी हमें पकड़ना पड़ेगा। और जो आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, जो पूंजीपति जिनको बोलते हैं, उनको भी हमें पकड़ना पड़ेगा। तो दोनों चोरों को जब तक आप नहीं पकड़ोगे तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इस आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी प्रगति जरूर हो गई है, पढ़ाई लिखाई जरूर बढ़ गई है कुछ लोगों की आरक्षण से, लेकिन हमारा समग्र विकास संघ चाहता है कि 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को, किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। भारत के संविधान में लिखा हुआ है। क्या सरकार इसके ऊपर कटिबद्ध है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए और उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार मिलना चाहिए, तो अपनी तरक्की अपने आप कर लेगा। आज हमारे लोगों के कपड़ों का जो रंग साफ हुआ है वो हमारे पिताजी कोई पूंजीपति नहीं थे, एक मजदूर थे, किसान थे। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और हमने पढ़ाई लिखाई के बदले मतलब ये सूट पहन लिया। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से इतना परिवर्तन हुआ है, एक नया क्लास पैदा हो गया जो सिर्फ 4% लोग हैं, वो आज अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। और अपने जो बचे हुए समाज है, जो 96% समाज है, उसके तरफ कोई मुड़ के नहीं देख रहा। और जो कोई काम करना चाहता है उसके ऊपर उसको रोका जा रहा है। ये पूंजीपति भी चाहता है कि इस देश के अंदर दूसरा अंबेडकर पैदा नहीं हो, इस देश का ब्राह्मणवाद भी चाहता है कि कोई दूसरा अंबेडकर पैदा नहीं हो। अगर कोई दूसरा अंबेडकर दिखाई देगा तो वो ही होगा जिसका विरोध हो रहा है। उसके समाज वाले उसका विरोध करेंगे जैसे ज्योतिबा फुले का किया था। उसकी राजनीतिक पार्टी के लोग जिनको वो वोट देता है वो लोग भी विरोध करेंगे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हराया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो पार्टी बनाई थी, जो हाथी बनाया था, जो नीला झंडा बनाया था, वो आज पतन के रास्ते पे चला जा रहा है और पहले भी पतन के रास्ते पे जा चुका है। 1980 में धन्य हो काशीराम जी का, जिन्होंने उसको निकाल करके कीचड़ में से फिर खड़ा किया हाथी के लिए। आज हाथी फिर डूबता चला जा रहा है, आज नीला झंडा फिर डूबता हुआ चला जा रहा है। मेरे भाइयों, आज आपको जरूरत है नीले झंडे को और लाल झंडे को मिलाने की। एक तरफ हमें श्रमणवाद चाहिए, श्रमणवाद आप जानते हैं ये धार्मिक आंदोलन है और वो श्रम से मुक्ति का रास्ता बताता है, भगवान और आत्मा से मुक्ति का रास्ता नहीं है जो ब्राह्मणवाद बताता है। तो अगर हमें उससे मुक्ति चाहिए तो हमें श्रमणवाद को पकड़ना पड़ेगा और इधर नीले और लाल को, दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। लाल सलाम और नीला सलाम, इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। श्रमिक ही श्रमण है और श्रमण ही श्रमिक है। जब तक ये बात लोगों के समझ में नहीं आएगी तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। अगर हमें अपना रोजगार चाहिए, अगर हमें सारे अधिकार चाहिए, तो हमें नाजी बात से छुटकारा लेना पड़ेगा। नाजी का मतलब क्या होता है? अभी हमारे माजी साहब बता रहे थे, जो साहब ने बताया, लेकिन मैं तो थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैंने सोचा कि नाजीवाद का मतलब क्या है। तानाशाही तो लोग समझते हैं नाजीवाद का मतलब तानाशाही। एक नाजी नहीं है, हिटलर ही खाली नाजी नहीं है, आज भी हिटलर हैं, आज भी नाजी हैं। नाजी का मतलब क्या है? हम कहते हैं हमें अधिकार चाहिए, वो कहता है नाजी। हम कहते हैं हमें शिक्षा चाहिए, वो कहता है नाजी। हम कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, वो कहता है नाजी। तो आप नाजी को चाहते हैं कि हाजी को चाहते हैं? अगर आप हाजी को चाहते हैं तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अगर ये संकल्प लेके जाते हैं कि हमें श्रमणवाद लाना पड़ेगा और हमें इस देश के अंदर बहुजनवाद लाना पड़ेगा, तो हम मतलब पूरा हमारा संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, खुदा हाफिज़।
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।